गुड इवनिंग एवरीवन, यह है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं ई टैप ट्यूटोरियल सीरीज। आज की वीडियो में हम जानेंगे लॉट कॉम्बिनेशन कैसे हम बनाते हैं ई टैप्स में। तो सबसे पहला सवाल यह आता है कि लॉट कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो देखिए, लॉट कॉम्बिनेशन वो कंडीशन या वो हम कंडीशन लेके चलते हैं कि मान लीजिए एक स्ट्रक्चर पे डेड लोड तो लगा ही हुआ है और साथ में आपका लाइव लोड भी है और विंड लोड भी उसी टाइम पे लगा हुआ है, तो तीन लोड हो गए। तो हमारा जो स्ट्रक्चर के मेंबर्स डिज़ाइन होने चाहिए वो तीन लोड कॉम्बिनेशन से होने चाहिए। अगर हम केवल डेड के लिए डिज़ाइन करेंगे तो स्ट्रक्चर विंड लोड और लाइव लोड में फेल हो जाएगा। हमें जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना होता है वो लोड कॉम्बिनेशन क्या क्या कंडीशंस, कौन कौन सी कंडीशंस आ सकती हैं उसके लाइफ पीरियड में, उसके अकॉर्डिंग हमें डिज़ाइन करना होता है। तो हम लोड कॉम्बिनेशन इसी तरह से हम बनाते हैं। साथ में एक फैक्टर होता है जो मल्टीप्लाई होता है लोड कॉम्बिनेशन, होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पे कुछ लोड कॉम्बिनेशन दिए हुए। जैसे फर्स्ट है आपका 1.5 इंटू डेड लोड प्लस लाइव लोड, यानी कि डेढ़ गुना डेड लोड प्लस लाइव लोड का। मान लीजिए आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग में डेड लोड तो लगा हुआ है और लाइव लोड भी है उसमें, और उसके बाद जिस लाइव लोड के लिए हमने बिल्डिंग डिज़ाइन करना चाहते थे उससे ज़्यादा लाइव लोड आ गया, तो थोड़ा फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने ले लिया 1.5। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए हमने डिज़ाइन किया और बिल्डिंग पास है, तो जब ऐसी कंडीशन आएगी हमारी बिल्डिंग की तो बिल्डिंग फेल नहीं होगी, पास हो जाएगी। तो अब इसको हम ई टाइप में कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। SI यूनिट यूज कर लेते हैं। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। तो आप डिफाइन में जाएंगे, लोड कॉम्बिनेशन पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो आ जाएगी। इस विंडो में है सबसे पहले आपका ऐड न्यू कॉम्बो मींस कॉम्बिनेशन, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये विंडो आ गई। अब इसको समझना है आपको। देखिए, सबसे पहले कॉम्बिनेशन का टाइटल, जो कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं टाइटल भी वही बना दे तो अच्छा है। तो हम कॉम्बिनेशन कौन सा बना रहे हैं अभी, ये वाला 1.5 इंटू डेड लोड प्लस लाइव लोड, तो टाइटल भी हम यही डाल देते हैं इसमें 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड ब्रैकेट बंद। अब ये पूछ रहा है कि कॉम्बिनेशन किस टाइप का है, लीनियर है, एनवलप है, एब्सोल्यूट, RSS रेंज। देखिए इसमें 5 टाइप्स के कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं जो आप जनरली यूज़ करते हैं। जो कॉम्बिनेशन मैंने ये दिखाए हैं ये सब होते हैं आपके लीनियर और एनवलप टोटल कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन होता है, और एब्सोल्यूट और SRS और रेंज ऐड इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। कुछ एडवांस मेथड्स होते हैं सिस्मिक और उसमें हम इनकी बात करेंगे। तो अभी दो की बात करते हैं, एनवलप और लीनियर। तो जनरली हम कौन सा यूज़ करते हैं, लीनियर। इस पर हमने क्लिक किया, ये नोट्स से कुछ, ये नोट देखिए कुछ भी आप डिफाइन करेंगे ई टैप्स में तो नोट्स बनाने का आएगा कि वहाँ पे आप कुछ इंफॉर्मेशन डालना चाहते हैं जो कभी आप बाद में देख सकें तो उसके लिए है। तो यहाँ पे देखिए डेड लोड पहले से गिवन है, लोड का नेम उसका फैक्टर 1 है। यहाँ पे देखिए फैक्टर कितना है, डेड लोड में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1.5। तो हमें यहाँ पे क्या टाइप करना होगा स्केल फैक्टर में 1.5। फिर मैंने ऐड बटन पर क्लिक किया और यहाँ पे डेड लोड आ गया, उसकी लिस्ट को खोलेंगे हम तो लाइव लोड आ रहा है, इसका ही फैक्टर 1.5। तो अब इसका क्या मतलब हो गया, डेड लोड इंटू 1.5 प्लस लाइव लोड इंटू 1.5। अब इसको हम ओके कर देते हैं, ये आ गया हमारा एक लोड कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हम इसी लोड को अगर कॉपी करना चाहते हैं तो ये बटन है यहाँ पे, कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी हो गया, कुछ भी चीज़ में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसको मॉडिफाई करना है हमें, कुछ चेंजेस करने हैं या उसके बाद जो बटन है आपको डिलीट करना है, ठीक है। और उसके बाद एक और बटन दिया हुआ है आपका डिज़ाइन, ऐड डिफॉल्ट डिज़ाइन कॉम्बिनेशन। ये अकॉर्डिंग टू IS कोड के अकॉर्डिंग
कंक्रीट के लिए या फ्रेम के लिए स्लैब के लिए ऑटोमेटिकली बना लेगा कॉम्बिनेशन, और ये कन्वर्ट उन कॉम्बिनेशन को नॉन लीनियर केसेस जो बताता है एडवांस मेथड है उनके हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसके लिए ऑटोमेटिक कॉम्बिनेशन बना लेगा। तो इसको हम ओके कर देते हैं। अब एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। दरअसल हम सबसे पहले एक स्ट्रक्चर मॉडलिंग करते हैं, उसके बाद हम लोड डिफाइन करते हैं, और लोड डिफाइन करने के बाद हम लोड कॉम्बिनेशन बनाते हैं। मैंने पहले ही आपको लोड कॉम्बिनेशन बता दिया है। चलिए फिर हम एक लोड बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम कुछ इन चारों बीम पे लाइव लोड में अप्लाई कर देता हूँ। असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मैंने ले लिया यहाँ पे 6, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया लाइव। तो डेड लोड क्या है, जो ई टैप क्या होता है, ऑटोमेटिक अपना सेल्फ वेट लगाता है। सेल्फ वेट जो होता है डेड लोड ऑटोमेटिक लगा देता है। अब मैंने लाइव लोड लगा दिया इन चार बीम पे 6 kN/m। अब मैं एनालाइज कर देता हूँ इसे। लाइव लोड लगा दिया है, अब मैंने एनालाइज कर दिया है। देखिए अब देखिए मैं इस बीम का, ये जो बीम है यहाँ पे, इसका बेंडिंग में देखता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ और आपको बता दूँ, जैसे कि मुझे इस बीम का बेंडिंग में देखना है, और इतने सारे बीम आपस में यार, जब मैं बेंडिंग में चेक करूँगा तो सभी का बेंडिंग में आ जाएगा, पर मुझे उसी का चेक करना है। देखने में मुझे दिक्कत हो रही है, सॉरी इस विंडो को एक्टिवेट करते हैं, जिस विंडो पर क्लिक करेंगे उसका एक्टिवेट होगा। तो मैंने क्या किया, जो सिलेक्ट है उसमें लिखा सो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली, राइट क्लिक किया मैंने विंडो पे, तो इससे क्या होगा केवल वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा जो सिलेक्ट किया है। दोबारा चला गया, दोबारा से हम ऑन कर लेते हैं। ये वाला बीम था और मैंने सो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें देखिए हम वैल्यू भी देख लेते हैं, बेंडिंग में कितनी आ रही है यहाँ पे क्लिक करके। ये देखिए 2.36, यानी कि अगर जब डिज़ाइन करेगा ये टैप तो इसमें स्टील जो डालेगा वो मूवमेंट रेसिस्ट करने के लिए, ये नेगेटिव मूवमेंट है -4 और ये पॉजिटिव है 2 उसके लिए करेगा। बट ये मूवमेंट जो आ रही है कौन से लोड की वजह से आ रही है, तो देखिए दोबारा मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये डेड की वजह से आ रही है। अब लाइव की वजह से देखें तो लाइव की वजह से इतनी आ रही है मूवमेंट, पर हमारा मेंबर ये कितने फोर्स को रेसिस्ट करना चाहिए, दोनों के कॉम्बिनेशन डेड लोड और लाइव लोड। तो अब मैंने कॉम्बिनेशन पर क्लिक कर दिया, अब ओके कर दिया। ये तो देखिए 317 ये है आपकी मैक्सिमम मोमेंट, तो हमारा मेंबर इसको डिज़ाइन करने के लिए सिस्टम होना चाहिए। तो ये होते हैं लोड कॉम्बिनेशन। अब एक और चीज़ आपको बता देता हूँ इसमें छोटी सी, जैसे विंड लोड, इस कॉम्बिनेशन में आपका डेड लोड प्लस विंड लोड है, बट जब आप यहाँ पर लोड कॉम्बिनेशन बनाते हैं और ऐड करते हैं तो यहाँ पर विंड लोड तो आता ही नहीं है। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो है हमारे ई टैब में दो लोड हमारे डिफाइन होते हैं, डेड और लाइव। विंड लोड अर्थक्वेक लोड ये सब हमें डिफाइन करने होते हैं, और ये मैं आपको तब बताऊंगा जब विंड लोड एनालिसिस कराएंगे और जब अर्थक्वेक एनालिसिस कराएंगे कि हम कैसे लोड पैटर्न बनाएं, लोड केस कैसे बनाएं, और आगे हमें बहुत ज़्यादा लोड केस की जरूरत पड़ती है। लगभग 17-18 लोड केस बनते हैं एक बिल्डिंग डिज़ाइन करने के लिए। तो कौन सा कॉम्बिनेशन कब लेते हैं, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड साथ में क्यों नहीं लेते, इन सवालों का जवाब जब हम विंड लोड और अर्थक्वेक एनालिसिस करेंगे तब करेंगे। तो आज के लिए केवल लोड कॉम्बिनेशन। थैंक यू। आप एक जगह और रिजल्ट देख सकते हैं, जब आप बेंडिंग में डायग्राम यहाँ पे शो करने लगे तो आप माउस को बीम के ऊपर या एलिमेंट के ऊपर ले आके राइट क्लिक करेंगे तो ये विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आप सही से डायग्राम देख सकते हैं। पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे हो सकता है इस विंडो पे जो आपका डायग्राम्स है वो गलत भी हो सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर की ही कमी है, पर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो डायग्राम आएंगे वो करेक्ट डायग्राम आएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ क्लिक करते हैं लोड केस, और यहाँ पे डेड लोड ये लगा हुआ है और उसकी वजह से शेयर फोर्स बेंडिंग में डिफ्लेक्शन है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ रहा है आपका 0.001319 इंच डेड लोड की वजह से। लाइव लोड की वजह से थोड़ा और बढ़ गया, लेकिन जब हम कॉम्बिनेशन देखेंगे तो हमारा और बढ़ गया। तो फाइनल जो हम बीम डिज़ाइन करेंगे वो इन रिजल्ट के लिए करेंगे, तो इसलिए हम लोड कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। अब हमें पूरा स्ट्रक्चर वापस यहाँ पे लाना है, तो राइट क्लिक और यहाँ पे शो ऑल ऑब्जेक्ट। राइट क्लिक करने के बाद बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एक एक करके समझाऊंगा मैं, शायद नेक्स्ट वीडियो में ही ये समझाऊँ। तो देखते रहिए, तुरंत अभी
हाफ एन आवर में नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो थैंक यू।